11 दिन में 11 बार पेट्रोल भर चुका है, 113 करके मैंने खुद भराया है। और अब मैं ये सोच चुका हूँ कि कल से मैं रिक्शे में घूमूंगा, वो बेटर होगा कि 50-60 रुपए रिक्शा वाले को दे दे, बिकॉज पेट्रोल अफोर्ड करने से लायक नहीं। अब देखिए, कनपट्टे में बंदूक रख कर कहोगे कि जय श्री राम बोलो, या मेरे आस्था के जगह में खड़े होकर मस्जिद के ऊपर नाच के बोलोगे जय श्री राम बोलो, नहीं बोलेंगे। नफरत की जो बाजार है वो गर्म होते जा रही है, और जो राजस्थान में हुआ नवरात्रि के दिन वो काफ़ी नायक घटना थी, क्योंकि एक तरफ नारा लग रहा था मुसलमानों के मोहल्ले में जाके कि टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम कहेगा। इन सभी विषयों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ रहमान, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। तौसीफ, पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से मुस्लिम मोहल्लों में जाके ये बात करना, कैसे दिखते हैं? देखिए, पहले तो आप सभी के व्यूअर्स को और मेरे पूरे भारत के लोगों को रमज़ान मुबारक, और मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों का भी नया साल शुरू हुआ है, और मैं चाहता हूं कि उनको एक नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारा प्यार। और बंगाल के हर एक फर्द, हर एक लोगों का आशीर्वाद पूरे भारत पे बने रहे, और भारत का हर एक फ़र्द का आशीर्वाद बंगाल के लोगों के ऊपर बने रहे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, चाहे कोई भी हो। क्रिश्चियंस का भी लेंट चल रहा था, मुसलमानों का रमदान चल रहा है, हमारे वो भी चल रहा है। और टॉपिक में आने से पहले मैं आपको बताते चलूँ मुजाहिद कि यूपी में मैंने एक वीडियो देखा जहां वो बहुत वायरल हो रहा था, कि जहां पर योगी सरकार ने ये कहा है कि 9 दिन तक मीट की दुकानें जो हैं वो बंद रहेगी, वो खुली नहीं जाएगी। और आप देखिए, हमारे भारत की जो खूबसूरती है, जो हमारे मुसलमान भाइयों ने इस चीज़ को बड़े ही प्यार से एक्सेप्ट किया कि करोड़ भी अगर बर्बाद हो जाए कोई बात नहीं, अगर ये आस्था के ऊपर बात है और नवरात्रि के दिन में मीट की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, तो हम इसे कबूल करते हैं, हम इसे स्वीकार करते हैं, और सरकार के इस कानून को बिल्कुल सराखों में रखते हैं। सरकार के कानून को सराखों में रखने से पहले बात यह है कि किसी की आस्था को आपने सराखों में रखा है, और यही इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम है। मुसलमान यही सिखाता है और यही सीख पड़ता है कि कैसे दूसरे धर्म के लोगों की आस्था को अपने सर पे रखा जाए और उनको इज्जत दिया जाए। तो ये जो घटना हुई, टोपी वाला भी जो है जय श्री राम कहेगा, मुसलमानों को एक भड़काने की कोशिश की गई, और मुसलमानों को जिस तरह से जो अब निशाना बनाया गया, तो कैसे देखते हैं? मस्जिदों में भी चढ़ के भगवा झंडा फहराया गया, पूरे मामले को कैसे देखिए? मैं आपसे कह दूं, बहुत अफसोस की बात है, कभी कभी आंखें भर आती है ये कहने में कि भारत एक ऐसा टॉलरेंस और इनटॉलरेंस दोनों मिला के एक मुल्क बन चुका है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को क्या हो गया है। जहां हम पेट्रोल, चावल, चना, चीनी, आटा, गेहूं, उस चीज़ की लड़ाई नहीं करके हम मंदिर और मस्जिद की लड़ाई कर रहे हैं। मुझे मतलब ये तो अब 7-8 साल से यही चलन चल चुका है कि हम कब इस चीज़ से बाहर आएंगे मुझे नहीं पता। और मुसलमानों के साथ ख़ास करके ये इतनी जो एक टॉर्चरस चीज़ें हो रही हैं, मतलब कभी कभी शर्म भी आता है कि मैं मुसलमान के बारे बात कर रहा हूँ कि मुझे लोग समझेंगे, देखो ये मुसलमान है, कठुआ है, कठमुल्ला है, तो बैठ के अपने ही कौम के बारे बात कर रहा है। मगर आप सारे हिंदुओं से हाथ जोड़ के विनती करके पूछना चाहता हूँ, आपके साथ क्या हो रहा है? क्या आपको दिवाली में दिवाली नहीं बनाने की कोई आपत्ति है, या कोई भी ऐसा हिंदू त्यौहार है जहां आपको बनाने में आपत्ति आ रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक मुसलमान दाढ़ी रखा तो प्रॉब्लम, एक मुसलमान ने गाय का गोश्त खाया तो प्रॉब्लम, एक मेरी बहन ने हिजाब पहन लिया तो प्रॉब्लम, एक बच्चा जो स्कूल जाके अगर वो अल्लाह का नाम लेता है तो उसमें प्रॉब्लम है। तो मुझे तो लगता है अगर एक इंसान एक मिनट में 72 बार सांस लेता है, तो जिसकी मतलब जिसको कहते हैं दिल धड़कता है 72 टाइम्स, मेरे ख्याल से कल को ये भी बोला जाएगा कि आप 72 नहीं, आप 35 से 32 बार सांस लीजिए, आपका दिल उतना ही धड़कना चाहिए क्योंकि आप मुसलमान हैं। और ऐसे नारे जहां पर ये कहा जा रहा है कि मुसलमान भी जय श्री राम बोलेगा तो बोल देगा, आपको धमकी देने की क्या ज़रूरत है? अगर एक हिंदू अवतार पार्टी में आ रहा है, अगर एक हिंदू ईद मना रहा है, अगर एक मुसलमान तौसीफ रहमान बंगाल में रह के दुर्गा पूजा का आयोजन कर सकता है, तो जय श्री राम क्यों नहीं बोलेगा? बोलेगा,
उसमें कौन सी आपत्ति है। मगर मेरे दोस्त, अगर आप मेरा कॉलर पकड़ के अगर आप कहेंगे कि जय श्री राम बोलो, तब तो तुम्हारे सात खानदान और तुम्हारा सात पुश्त को भी पैदा होना पड़ेगा हम जैसे लोगों को जय श्री राम बोलाने से। नहीं बोले आप कहिए जय श्री राम तो हम कहेंगे जय श्री राम, क्यों नहीं कहेंगे? हम जय माँ काली भी कह देंगे, जय माँ दुर्गा भी कह देंगे, हरे रामा हरे कृष्णा भी कह देंगे, बिस्मिल्लाहिर रहमान भी कह देंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो भी कह देंगे। पर मेरे सर पे तलवार रख कर और मेरे कनपट्टे में बंदूक रख कर कहोगे कि जय श्री राम बोलो, या मेरे आस्था के जगह में खड़े होकर मस्जिद के ऊपर नाच के बोलोगे जय श्री राम बोलो, नहीं बोलेंगे। और मैंने कहा ना कि कोई कुत्ता टांग उठा के मूत के चले जाए और कह दे कि जय श्री राम बोलो, या मोदी अपना टांग उठा के मूत के कहे कि जय श्री राम बोलो, नहीं बोलेंगे। चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे मेरे खुद के सगे भाई हो, अगर बात कौम की आ जाती है और जब हम आपके कौम को बहुत इज्जत करते हैं, अपने दिल पे रखते हैं, यहाँ रखते हैं और यहाँ रखते हैं, तो मुझे भी यही उम्मीद आपसे है कि आप भी मेरे कौम को अपने दिल पे रखिए, सराखों में रखिए, ना कि उस बेइज्जती करिए। और जिस मस्जिद पे चढ़कर आप नाच रहे हैं, यकीन मानिए भगवान अल्लाह गॉड नानक सब एक ही हैं, चेहरा एक ही होगा, ऊपर जाके एक यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स। कहा जाता है कि मुसलमान में 72 फ़िरका है और हिंदुओं में ऐसे कई हज़ार भगवान हैं, आपको इसकी क्या गारंटी है कि क्या वो एक नहीं या सब अलग है? अगर आपने मुसलमान को नहीं रोका तो आने वाले 20 साल में सारे हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। तो हिंदुओं की आस्था इतनी छोटी है क्या? हिंदुओं की आस्था इतना कम, उनकी आस्था में इतनी कमज़ोरी है कि वो अपना हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों होंगे? और मुसलमान कब किसी को पकड़ के ये कहता है कि आप हिंदू से मुसलमान हो जाइए? जितने भी लोग आते हैं उनकी खुद की आस्था है, वो नहीं कहा था कि आप मुसलमान हो जाइए, वो तो उसका खुद का था, वसीम रिज़वी हाँ। खुद का था कि उसको हिंदू होना, तो उसका शौक था तो वो हुआ। तो हमने कौन से हिंदुओं को गाली दिया? मान से हिंदू बनना है कि हिंदू से मुसलमान बनना है, ये उसका है। इसमें किसी मुसलमान को मत ब्लेम करिए या किसी हिंदू को ब्लेम मत करिए। मोदी ने नहीं खड़ा होके कहीं कहा कि आप आइए और हिंदू बन जाइए, नहीं कहा ना। उसने कहा कि आप हिंदू की रक्षा करिए, मैं कहता हूं कि आप मुसलमान की रक्षा करिए। जो मेरा हक है वो मैं कहूंगा, जो एक हिंदू का हक है वो कहेगा। योगी आपकी अदालत में बैठ कर ये कह रहे थे, उनसे कोई पूछ रहा था कि आप दिवाली बना रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे, तो ईद में आपने ईद क्यों नहीं विश किया? उन्होंने कहा, देखिए बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं मानता कि मैं टोपी पहन के ये ढोंग करूं। बिल्कुल सही, मैं योगी जी को इस बात पे दाद देता हूं कि एटलीस्ट वो दोगलापन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने झूठा टोपी लगा के नहीं कहा ईद मुबारक, उनका दिल नहीं है, वो नहीं कह रहे हैं, वो नहीं कहेंगे। तो इसी तरीके से अगर मेरा कोई मुसलमान भाई टोपी लगाता है और दाढ़ी रखता है और अगर वो जय श्री राम नहीं कहना चाहता है, आपको क्या आपत्ति है? आप क्यों ये करना चाहते हैं? और मैं मुजाहिद आपके व्यूअर्स से और चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आपकी जनता की अदालत जो वो रजत शर्मा का चलता है, उसमें योगी का बाकायदा इंटरव्यू है और मैं उस इंटरव्यू को सपोर्ट करता हूं। अगर उनका दिल नहीं है ईद मुबारक बोलने का तो वो नहीं बोलेंगे। कौन सी आपत्ति आ गई है कि आपको रमजान मुबारक बोलना है, ईद मुबारक बोलना है, बकरीद मुबारक बोलना है? नहीं बोलना है आपको, वो आपका दिल नहीं है तो आप नहीं बोलिए। इसी तरीके से अगर एक मुसलमान जय श्री राम नहीं बोलना चाहता, आप क्यों उसके दाढ़ी को पकड़ के उसका मौत कर रहे हैं? आप क्यों उसको मर्डर कर रहे हैं? क्या लगता है ये किस वजह से मेन मोटिव लेके हो रहा है? एक तरफ पेट्रोल का कीमत जो है 115 आज पहुंच गया, और दूसरी तरफ हर चीज़ में महंगाई बढ़ रहा है, मगर दूसरी तरफ लोगों का जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं इसी सारे नारों पे रह जाता है कि जो मुसलमान जय श्री राम बोलेंगे, ये हिंदू राष्ट्र, और नेपाल की भी हिंदू राष्ट्र की भी जिक्र हो रही है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। तो ये सारे मुद्दों पर भटकाने की जो कोशिश हो रही है, तो कैसे देखते हैं इस सारे चीज़ों को? एक तरफ जो है इन सारी घटनाएं होती हैं और दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल गैस तमाम चीज़ों पे तेज़ी से बढ़ोतरी हो रहा है। आज क्या आदमी को भटकाना कैसे है? जब हम छोटे थे ना
तो अपने माँ बाप से जब खिलौना मांगते थे तो हमारे माँ बाप, जैसे फ़र्ज़ कीजिए हमने अपने माँ बाप से वीडियो गेम मांगा जो उस वक्त के दौर पे 2500 रुपये दाम था, अब सेगा वीडियो गेम खेलते थे, तो हमारे माँ बाप फ़ौरन क्या करते थे, तुमको वीडियो गेम चाहिए, तुम रुको इसको पहले थम्सअप पिलाओ, मेरा बच्चा पहले थम्सअप पिएगा। तो क्या होता था, 6 रुपये का थम्सअप मिलता था हमारे छोटे में, तो 2500 रुपये को इग्नोर करने के चक्कर में 6 रुपये का थम्सअप सामने आ जाता था और मैं खुश हो जाता था और वो 2500 रुपया भूल जाता था। समझ रहे हैं आप? तो यही हो रहा है। तो मोदी सरकार एक छक्के, मतलब एक छक्का सरकार से कम नहीं है, एक दोगली सरकार से कम नहीं है, जहां पर लोग बिल्कुल हाहाकार मच चुका है उनके ज़िंदगी में। पेट्रोल से लेके आप बात समझिए, पेट्रोल से सिर्फ गाड़ी नहीं चलती, पेट्रोल से ट्रांसपोर्टेशन चलता है, बस चलता है, ट्रांसपोर्ट मतलब बंगाल से गुजरात जाता है, गुजरात से बॉम्बे, हर चीज़ों की दाम बढ़ जाती है। मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ, मुझे मालूम है आलू प्याज चना सबका दाम बढ़ेगा बिकॉज जब पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। तो ये हिजड़ों की जो सरकार है, ये इस चीज़ को डाइवर्ट करने के चक्कर में, आपको कहीं और लगा देने के चक्कर में ये हिंदू मुसलमान का खेल चल रहा है। और इसमें से और अफसोस की बात क्या है कि अगर हम जैसे लोग, जो हमारे भाई जो हिंदू हैं जो मुसलमान हैं, अगर इस चीज़ को पकड़ लें, समझ लें कि कैसे इस चीज़ को डाइवर्ट किया जा रहा है और इस चीज़ में बिल्कुल फोकस ना करें, बल्कि ये सिर्फ फोकस करें कि हमारे खाने के वांदे पड़ रहे हैं, हमारे खाने के लाले पड़ रहे हैं, हम बाइक नहीं चला पा रहे, पेट्रोल नहीं भरा पा रहे, इस चीज़ पे फोकस कर ले, वो ज़्यादा बेटर हो क्या, ना कि इस चीज़ पे फोकस करें कि मस्जिद की अजान कहाँ होगी, हनुमान चालीसा कहाँ पढ़ाया जाएगा, या मेरे मस्जिद में कौन चढ़ के नाच रहा है। मैं आपको बोलता हूँ, आपको मस्जिद में नमाजें, आपको मस्जिद में अजान बंद करवाना है, आप बंद करवा दीजिए, मगर आप इस चीज़ का गारंटी दे रहे हैं कि मुसलमान हिजाब से ले कर गाय का गोश्त तक आप ये बंद कर देंगे, इसके बाद आप मुसलमान को कोई तकलीफ़ नहीं देंगे, इस बात की गारंटी है? मैं तो आपसे कह रहा हूँ, एक इंसान का शरीर की धड़कन 72 दफ़ा होती है 1 मिनट में। कल को ये भी हो सकता है कि मुसलमान को कहा जाएगा तुम्हारा नाम मोहम्मद है, तुम 72 के बदले 35 बार धड़कोगे, तुम्हारा दिल सिर्फ 35 बार धड़केगा क्योंकि तुम मुसलमान हो। आज राज ठाकरे का बयान सुबह सुबह आया है कि आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि आप अपने मस्जिदों की जो अजान है उसको बंद कर दीजिए, वरना ठीक उस स्पीकर के सामने मैं हनुमान चालीसा चलाऊंगा। आप चला दीजिए, अगर आपको इससे सुख शांति फैलती है, अगर इससे पीस होता है, आप चला दीजिए, हम अपने मुसलमानों को समझा देंगे कि वो घर में अपनी अजान सुन ले। हम मुसलमान का नेचर ही है कि जहां पे शांति और सुख की खबरें अगर आए तो हम बैकफुट जाने को तैयार हैं, मगर किसी की जान ना जाए। अगर आपको अपने गले में पट्टा लगाकर रामनवमी सेलिब्रेट करना है और हमारे कुछ मुसलमान भाई के पेट में छुरी भोगना है, भोग दीजिए, कब तक चलेगा ये जाति? तो चलते हुए आ रही है और ये बिल्कुल रुकेगी भी नहीं, बिकॉज ये गवर्नमेंट रोकना भी नहीं चाहेगा। पहले हिजाब, फिर हलाल फूड, फिर गाय का गोश, फिर मुसलमान, फिर उसकी दाढ़ी। यही दाढ़ी एक सरदार रखता है तो उसकी आस्था है, यही दाढ़ी एक मुसलमान रखता है तो वो कठमुल्ला हो जाता है। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं बर्दाश्त हम करते हुए आए हैं और करेंगे, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कभी लड़ाई हो, मैं नहीं चाहता कि कोई हमारा किसी भी धर्म के वजह से मेरे किसी भी भाई की जान जाए, चाहे वो राम हो या रहीम हो, देश में शांति बनी रहे और ऐसे चीज़ें होते रहेंगे। और मज़ा हुआ है, हम भारत में ही रहेंगे, मगर मुसलमान को ख़त्म करने के लिए ऐसे कई सौ देश को पैदा होना पड़ेगा, कई सौ लोगों को पैदा होना पड़ेगा, कई सौ योगी और मोदी को वापस आना पड़ेगा मुसलमान को ख़त्म करने के लिए। मुसलमान की वजूद भारत में थी, भारत में है और भारत में रहेगी, और जब तक हिंदू रहेगा तब तक मुसलमान रहेगा, और उस हाथ पे हाथ मिला के चलेगा, साथ चलेगा, ईद भी बनेगी, रमज़ान भी बनेगी, दिवाली भी होगी, दुर्गा पूजा भी होगा। और रहा बात जय श्री राम, प्यार से कहोगे तो 1000 बार बोलेंगे, अगर नफ़रत से कहोगे, डरा के कहोगे, तो तुमको 7 खानदान को पैदा होना पड़ेगा। तौसीफ़ रहमान के मुँह से कभी जय श्री राम नहीं निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तौसीफ़ रहमान, जिनका कहना आप लोगों ने सुना। मैं आपको बताते चलूं कि ये वही तौसीफ़ रहमान है जो दुर्गा पूजा का पंडाल खुद ही ऑर्गेनाइज करवा के 11 दिनों की जो है दुर्गा पूजा संपन्न करते हैं। और ये जो नफरती गैंग जो लगातार कुछ दिनों से एक्टिव हुए हैं, कभी राजस्थान, कभी उत्तर प्रदेश, देश के अलग अलग जगहों से जो नफरती जो बाजार गर्म कर रहे हैं, ये बिल्कुल
एक चिंता का विषय है और इस पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार को संज्ञान लेना काफ़ी ज़रूरी है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।